interstate exchange art exhibition. बिहार ललित कला अकादमी आर्ट गैलरी पटना बिहार, आप यहाँ देख रहे हैं 43वां अंतर्राज्य विनिमय कला प्रदर्शनी, जिसका आयोजन बिहार ललित कला अकादमी ने किया है और यहाँ लगभग 37 चित्रकारों की कला कृतियाँ बिहार के कला प्रेमियों के देखने के लिए लगाई गई है। यह दृश्य, यह चित्र आप देख रहे हैं बनारस के घाट का है और टैल चित्र है जिसके चित्रकार हैं डीपी मोहंती। बहुत ही सुंदर कलाकृति है, टैल रंग से बनाई हुई और इसे देखकर लगता है बनारस का घाट। आगे देखते हैं और क्या क्या कलाकृतियाँ हैं। ये मधुरानी, डॉक्टर मधुरानी की कलाकृति है जिसमें दो बच्चे दौड़ रहे हैं। डॉक्टर मधुरानी अलीगढ़ की रहने वाली हैं और यह तैल चित्र है जिसका शीर्षक रखा गया है हमें निगाह तक गुबार ही गुबार है। बहुत ही सुंदर कलाकृति। और यहाँ देखिए यह कलाकृति नई शैली दिख रही है। ये तो लग रहा है सुजनी वर्ग कैसा काम है, तो इसमें लिखा हुआ राम 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 करके लिखे हुए। अच्छा, नदी का पूरे धारा पे राम राम है। बहुत अच्छा काम है, बहुत मेहनती काम है, वर्क अच्छा लग रहा है। साड़ी पे राम राम का ही वर्क है और कुछ में यहाँ बच्चे लोग हैं, महिलाएं सभी लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृति, बहुत मेहनत इसमें लगाया होगा। बनारस के एक चित्रकार हैं वेद प्रकाश मिश्र जी, जिन्होंने यह कलाकृति बनाई है। एक नई शैली है जिसमें रंगीन कलम का उपयोग किया गया है, राम राम लिखा गया है और इस कलाकृति का शीर्षक है ए गंगा माई कहाँ पियरी चढ़ाई। और इस चित्र में पूर्णतः स्पष्ट है कि गंगा प्रदूषण, गंगा आज मैली हो चुकी है, बनारस में भी पटना में भी गंगा मैली है और धार्मिक कचरा जो है लोग गंगा में फेंकते हैं। एक ओर गंगा को गंगा माँ कहते हैं, दूसरी ओर उस पर कचरा भी घर का ला कर फेंकते हैं, धार्मिक कचरा, और उन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि माँ गंगा पर हम जो है कचरा फेंक कर गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। एक ओर जहाँ गंगा को जीवनदायिनी कहा जाता है, मुक्तिदायिनी कहा जाता है, पापनाशिनी कहा जाता है, वहीं माँ गंगा को हम कचरा फेंक करके उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं और उनके कोप का भाजन बन रहे हैं। और इसमें है कि महिलाएं रोते गंगा के लिए रो भी रही है। हाँ, वो रो रही है। हाँ। वो ये बहुत अच्छा काम है, श्रद्धालु महिला जो है वो रो रही है बनारस के घाट पर और वो रो रही है प्रदूषण देख करके और कह रही है कि हे गंगा मैया आपको पीरी में कहाँ चढ़ाऊँ। कहाँ पीरी चढ़ाऊँ गंगा मैया को, आज गंगा जो है पटना से भी विलुप्त हो रही है, शायद पता होगा आपको। मतलब ये गंगा माँ से बोल रही है कि मतलब जब गंगा ही नहीं रहेगा तो पूजा कहाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। जब इस तरह से दिखाया जा रहा है पानी को जो है एकदम, बोलो आजा, पानी को प्रदूषित करते जा रहे हैं, ये भी है एकदम। अब तो छठ पूजा लगता है कि जो पहले मिलजुल का छठ पूजा होती थी, चैती चैती पूजा अभी होने वाला पटना में, तो पटना का तो बहुत सारा घाट गायब है ना। आपको कलेक्टर घाट से लेकर के और यहाँ काली घाट तक नाला है गंगा पानी, नहीं गंगा पानी है ही नहीं, नाला है, नाला है कि गंगा माँ है, नाला। उपासना करने के लिए घंटों मतलब महिलाएं पानी में खड़ी रहती थी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी बताती है कि छत के ऊपर ही पानी लो और दो मिनट चार मिनट में पूजा कर लो, नाम की पूजा होती है, छठ होती है। पहले जो मिलजुल कर होती थी, सामाजिक भावना परिवेश वैसी होती थी जो आज खत्म होते जा रही है। और वो तो सामाजिक परिवेश तो है ही और ये जो ये पर्यावरणीय परिवेश है जो हमारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है
कि जो हमारी गंगा है, हम जो मूर्ति भसान करते हैं, विसर्जन करते हैं, छोटी मोटी जो पूजा करते हैं, फूल पत्तियां सब इन्हीं को देते हैं और दूसरी तरफ माँ इन्हें पुकारते हैं। तो ये चित्र दिखा रही है एक पर्यावरण संदेश है और एक संकीर्ण मानसिकता की सोच है जो ये पेंटिंग प्रदर्शित कर रही है। चित्रकार वेद प्रकाश मिश्र जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। एक ओर उन्होंने इस चित्र को बनाया है गंगा प्रदूषण पे, दूसरी ओर उन्होंने कला की साधना भी की है, एक ओर भगवान श्री राम की पूजा और दूसरी गंगा मैया। उन्हें इस चित्र के माध्यम से माँ गंगा मैया और भगवान श्री राम का दोनों का आशीर्वाद मिला है। ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गंगा मैया हम लोग को प्रेरणा दें, करोड़ों लोगों को वो वैसी प्रेरणा दे, उनमें ऐसी भावना उत्पन्न करे ताकि जो है गंगा को साफ करने में सभी लोगों का योगदान हो और जितने भी करोड़ों लोग हैं अगर चाहें देश के जहाँ जहाँ से गंगा गुजरती है, जो गंगा का दर्शन करने जाते हैं, जिनको गंगा के प्रति आस्था है, उन सभी लोगों के हृदय में गंगा मैया वास करें और ऐसी प्रेरणा दें कि वो अपने आस पास के लोगों को भी गंगा में प्रदूषण फैलाने के लिए मना करें और अपनी साधना, स्वतः साधना, केवल कहने सुनने से काम नहीं चलेगा और बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर इसको काम करना चाहिए, करना होगा, तभी गंगा मैया की शुद्धता हो सकती है। चूँकि होता क्या है कि हम लोग जो है कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और इसी चलते जो है सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। कितना है गंगा मैया, कितना ही यूट्यूब देख लेने के बाद भी फिर भी वही काम करते हैं, गंदगी करते ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, बहुत को प्रभाव पड़ता है, बहुत लोगों को प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग है कि बंद कर देते, कितना लोग नहीं कर पाते हैं, फिर भी कचरा डाली देते हैं कि अरे कहाँ फेंके, इसी में ना फेंके, फेंक दो। अब यही तो पेंटिंग का जरिया है कि लोग अपनी मानसिकता को जागरण, जन जागृति हो रहा है ना चित्र के माध्यम से कि गंगा को प्रदूषित ना करें, गंगा को बचाएं। पेंटिंग का उद्देश्य भी वेद प्रकाश मिश्र को बहुत बहुत बधाई इस वीडियो के माध्यम से। उन्होंने राम 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 सभी लोगों को अंत में भगवान के शरण में जाना है और मरने के बाद राम राम ही दिखाता है, ये भी सच्चाई है। इस बहाने कम से कम हम लोग मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, राम राम कोई लिखेगा कि नहीं लिखेगा कौन जानता है, और गंगा में पानी रहेगी कि नहीं रहेगी, गंगा में पानी रहेगी ये भी नसीब होगा कि नहीं होगा। वेद प्रकाश मिश्र जी ने कम से कम हम लोग को याद दिलाया है कि आप लोग समय के हिसाब से होशियार हो जाइए, नहीं तो गंगा मैया में जाने का भी आपको अवसर नहीं मिलेगा, पानी में पता चलेगा अंतिम समय में ही बस रिटर्न ऐसे ही घर पर आना पड़ेगा, ये हो जाएगा। इसलिए वेद प्रकाश मिश्र को बहुत बहुत बधाई और इन्होंने जो मेहनत किया है, बहुत मेहनत की है, अच्छा भी लग रहा है। 2013 में उन्होंने इस चित्र को बनाया, सुधनी याद आ रही है इसको देखने के बाद, मधुबनी की सुजनी लग रहा है धागा से बुना हुआ है ना। हालांकि मैं सोच रही हूं दूर से देखे की लग रहा है सुजनी वर्क, मगर सुजनी मैं कोई कला का पारखी नहीं हूं, मैं कोई कला का पारखी नहीं हूं, मैं एक दर्शक बनाए, बहुत अच्छा बनाया हम। खैर ये कलाकार अभी तो है ना जो हम उनसे पूछ सकते कितना टाइम लगा, मैं इसमें लिखा हुआ है 2013 में बनाया, कब बनाया भी नहीं पता। कला की बारीकियों के बारे में मैं नहीं परख सकता हूँ, मुझको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे चूंकि देखने में अच्छा लगा, अच्छा लगता है, इसलिए मैं देखता हूँ। मैं तो कला का पारखी नहीं, बहुत काम मेहनत है और बहुत मेहनत के साथ कलाकार, मधुबनी पेंटिंग से भी ये ज्यादा मेहनत इसमें लगा है। नहीं ये कलाकृति 2013 की है, समझ सकते हैं कि उस समय ये थी, तो ये पेंटिंग की जो मांग है और इसकी जो दुर्दशा है अभी देखने को ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये जब 2013 में ऐसा चलती थी और अभी कि हम 2018 में जी रहे हैं तो इसकी और मांग बढ़ेगी और ये वैश्विक स्तर पर इसकी दुर्दशा हम दिखा सकते हैं गंगा की कैसे हम करते जा रहे हैं। तो ये पेंटिंग जो जो हमारी सभ्यता आएंगी आगे बढ़ेंगी, हम अलग अलग वर्षों में परिवेश करेंगे, ये पेंटिंग की उतनी मांग बढ़ते जाएंगी। और इसकी कीमत भी रखी गई है, 50,000 रुपये इसका कीमत है, यहाँ लिखा हुआ है। कुछ दिन के बाद ये 50 से लाख भी जाएगा, 2 लाख कलाकृतियों का मूल्य अनमोल होता है, कलाकृतियाँ अनमोल होती है, अमूल्य धरोहर है, इनको मूल्यों में नहीं बांधा जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और दशाश्वमेध घाट बगल में देख रहे हैं बनारस वाला वो दशाश्वमेध घाट भी लग रहा है कि हम दशाश्वमेध घाट के सामने बैठे हुए हैं, उस कला
कृति को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है, इस कलाकृति को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं चूंकि बनारस में गया हूँ, जाता रहा हूँ कई बार, और दशाश्वमेध घाट का अनुभव मुझको रहा है, और मुझको ऐसा लगा कि सही माने में मैं दशाश्वमेध घाट पर खड़ा हूँ और मैं निहार रहा हूँ। इसलिए कलाकार जो हैं प्रोफेसर डीपी मोहंती वाराणसी के हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, बनारस के रहने वाले हैं, 25,000 का भी रेट रखा हुआ है, 2016 मूल्यों से कलाकृतियों का मूल्यांकन मूल्यों से नहीं किया जा सकता। श्रद्धा और विश्वास और भावना, जो वैसे मैं कोई कला का पारखी नहीं हूँ, लेकिन जो चूँकि देखने में मुझको अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना ये विचार व्यक्त कर रहा हूँ। रंगों का सजन संयोजन इसमें बहुत ही अच्छा है, रंगों का संयोजन कलर कम्पोजिशन बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक कलर से ही किया हुआ है, नहीं तेल तेल रंग तेल रंग तेल लिखा हुआ है, ऑयली कलर से किया, ऑयल कलर है, तेल तेल। और बनारस तो भगवान शंकर की नगरी है, कहा गया है कि दुनिया से वो अलग है, शंकर जी के त्रिशूल पर बसा हुआ है। तो जब शंकर जी के त्रिशूल पर जो बसा हुआ वाराणसी, वहाँ के बारे में मेरे ऐसा छोटा प्राणी क्या कमेंट कर सकता है, क्या टिप्पणी कर सकता है। इसलिए हम डीपी मोहंती को भी बधाई देते हैं इस कलाकृति के माध्यम से। और ये दोनों कलाकृति को देखने पे ये अच्छा विचार आ रहा है, दर्शक भी बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ दो कलाकृतियाँ हैं जिससे लोगों को यह संदेश मिलता है कि गंगा को बचाएं। और ठाकुर जी, पटना में एक जो कार्यकर्ता थे गंगा पुत्र श्याम कुमार चंद्रवंशी, उनकी भी याद आती है, जो कि अब नहीं रहे, शायद आपको नहीं पता होगा मैडम, रोज कचरा सुनते थे काली घाट पर जाते, हाँ, प्लास्टिक प्लास्टिक कचरा, गरीब होने के बाद भूखे प्यासे रह करके फुटपाथ पर रह करके वो किताब बेचते थे, और सवेरे पर उठ करके उनका पहला काम था सुबह 8 बजे पहुँच जाना, और वो जा करके जितना भी प्लास्टिक कचरा कचरा फूल पत्ती था, गंगा घाट की सफाई करते थे, गंगा घाट की सफाई करते थे नियमित रूप से। उनका जीवन ही अर्पित था, लोगों को जगाया कि गंगा को बचाओ, और गंगा पुत्र चंद्रवंशी पिछले साल उनका देहांत हो गया, बेचारे गरीबी से अच्छा डॉक्टर मिला नहीं, और भूख और बीमारी से तरफ तरफ के मर गए, और सबसे अधिक शर्मनाक कि वो दलित परिवार के थे, और इसलिए उन्हें कोई नेता वगैरह जो है उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया, अगर वो ब्राह्मण रहते तो उन्हें बहुत ही सम्मान मिलता। यह बहुत ही दुखद बात है कि लोग आज उन्हें भूल गए हैं, जिन्होंने जगाया कि गंगा को बचाओ, श्याम कुमार चंद्रवंशी, गंगा पुत्र श्याम कुमार चंद्रवंशी, उसे आज पटनावासी भूल गए हैं। और जो आप देख रही हैं पटना के घाटों पर, पटना से तो गंगा गायब हो ही रही है, आपको गंगा जल नहीं मिलेगा काली घाट में भी, और अब जो आप देख रही हैं पटना के घाटों पर जो कचरा लोग नहीं फेंकते हैं पटना के घाट पे, वो उसमें योगदान है वही श्याम कुमार चंद्रवंशी जी का, अच्छा। जो कि लोगों को जगाया कि नहीं, गंगा में कचरा ना फेंके, गंगा मैया से प्यार करें, उन्हें प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं। तो उनका जो है गंगा संरक्षण में नहीं रहे, नहीं वो फिर ये पेंटिंग आया, देखिए अच्छा, उन्होंने याद दिला दिया, श्याम प्रसाद चंद्रवंशी, श्याम कुमार चंद्रवंशी, श्याम कुमार चंद्रवंशी के बारे में सबसे पहले हमने उनको जगह दिया देश के पहरेदार साप्ताहिक पत्रिका में, और उसके बाद लोगों ने जाना, और उसके बाद तो यूट्यूब पर उनका लगभग 25-30 वीडियो है, उसके बाद सारे मीडिया वाले लोग दौड़े, सबसे अधिक कोई दिया होगा यूट्यूब पर, सबसे अधिक वीडियो न्यूज उनका है। बोलना आसान होता है, लेकिन स्पॉट पर जा करके प्रतिदिन सुबह उठ करके अब कचरा साफ करे बगैर स्वार्थ के, और भूखे प्यासे, उनको पैरालिसिस भी हो गया था, आँख से भी नहीं दिखता था, फिर भी वो गंगा की सेवा करते, एक तरह से वो गंगा पुत्र श्याम कुमार चंद्रवंशी जो थे वो गंगा पुत्र थे ही, दूसरा गंगा पुत्र है ही नहीं बिहार में। तो भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है, लेकिन अभी का दौर जो चल रहा है केवल अखबार में नाम छपवाना है, फोटो छपवाना है, उसके बाद काम खत्म हो गया। अब बताइए हमारे, अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि ये कहने का समय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग विदेश में जाकर बोलते हैं, ऑन द स्पॉट में बोलते हैं, जैसे कल आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी सिंगापुर से बोल रहे हैं, पटना में उन्होंने बिहार में या देश में उनको दिखाई नहीं पड़ता बेकारी बोल रहे। ठाकुर जी जरा गंगा केवल गंगा पे, ठाकुर जी गंगा पे पॉलिटिक्स, गंगा पॉलिटिक्स नहीं, देखिए पॉलिटिक्स के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, गंगा के बारे में केवल विदेश में जाके बोलना, हाँ। भी इसको भी हम उचित नहीं समझते, नहीं गलत है वो, मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ। हम आप अब इंग्लैंड में जाके बोलिए, अमेरिका में जाके बोलिए, फ्रांस में जाके बोलिए, इटली में जाके बोलिए, मेरा कहने का मतलब है कि गंगा के बारे में जब बोलना है तो गंगा जहाँ से निकलती है
गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, तो गंगा के किनारे घाटों पर आकर के गंगा के बारे में बोलिए, और अगर हो सके तो एक पत्ता ही चुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है अब हम जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, खून दे देंगे, पसीना दे देंगे, क्या, क्या, भासन, सिस्टम भासन है, से कुछ नहीं ना होगा। मेरा कहने का मतलब है इसमें थोड़ी कमी होनी चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, जो कि लंबा लंबा खाली बात बोलेंगे और समय पड़ने पर गायब हो जाएंगे। जैसे अभी आज ही देखिए गांधी मैदान में प्रोग्राम था, ठाकुर जी गंगा पे, केवल गंगा, गंगा पर ही बोल रहे हैं ठाकुर जी। एक, एक, एक नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, एक, अच्छा नहीं बोलेंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, ठाकुर जी सबसे ये बहुत ही खराब लगता है कि माँ गंगा है, सभी की माता है, गंगा सभी की माता है, और हम सभी की जिम्मेदारी गंगा को बचाएं पटना में, क्योंकि हम लोग पटना में रहते हैं, पटना में गंगा को बचाएं। बाहर तो बनारस के किनारे जो रहते हैं वो गंगा जी में कभी स्नान नहीं करते हैं, अपने पता कीजिए, श्रद्धा नहीं है। बाहर के लोग आते हैं गंगा में स्नान भी करते हैं, गंगा का पानी एक लोटा जल गंदा ही सही लेके जाते, लेके जाते हैं, या होता है तो कितना ग्लेन में ले जाते हैं, बोतल में ले जाते हैं। बिल्कुल, तो पटना में कई लोगों से पूछा, गंगा किनारे रहने वाले कई लोगों से हमने पूछा जिन जो रहते हैं कि गंगा में स्नान की है ना। ठाकुर जी बता रहे हो, मैं पटना तो में मतलब ये जो सिस्टम है ठाकुर जी, पटना में गंगा नदी तो अब स्नान नहीं होगा ही नहीं, नाला का पानी है तो नहाएंगे कहाँ से उसमें। फिर भी लोग जो है जाते हैं नाय पर चढ़ के, बहुत लोग जाते हैं। हाँ, सब नहीं जाकर नाय पर चढ़ के बहुत लोग गंगा का पानी लाने के लिए जाते हैं। ठाकुर जी एक बात और, बहुत सारे एनजीओ जो हैं और बहुत सारे लोग अपने को कहते हैं हम गंगा सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं, और केवल गंगा घाट के किनारे जाके फोटोबाजी करते हैं, अखबार में न्यूज छपवाते हैं, फोटो छपवाते हैं, तो क्या फोटो छपवाने से क्या गंगा की रक्षा हो जाएगी, बताइए जरा। एनजीओ का नाम लेना ही गुनाह है, बताइए जरा। किसी एनजीओ का गंगा के सवाल पर किसी एनजीओ का नाम लेना, ये समझिए कि पाप के भागी बनिएगा। किसी भी एनजीओ का, मैं किसी एक एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एनजीओ का अगर आप नाम अपनी जुबान से लेते हैं गंगा मैया के मुतल्लिक, तो समझिए आप पाप के भागी बनेंगे। इसलिए पाप के भागी बनेंगे कि ये एनजीओ वाले केवल माल के लिए एनजीओ हैं और विदेशी पैसा कमाने के लिए एनजीओ हैं। गंगा मैया से बात रही, गंगा मैया को इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या होते हैं कि चार पांच दिन के लिए जो लोगों को इकट्ठा कर लो, ठीक है, और वहाँ चलो झाड़ू के साथ जितना फोटो खिंचवा लो, उतना फोटो खिंचवाओ, बस बस फोटो खिंचवाओ, बस हो गया। अपने जान पहचान को, हिंदुस्तान हो ये हो, मीडिया वाले को कालो की फोटो छप गई, ठीक है, और ये जो भावना थी, जो भावना के जो काम थे वो छोड़ गए, तो यही आज का उद्देश्य बन गया है। लेकिन एक दृष्टिकोण हम दूसरी तरफ डाले तो आज भी काली घाट जैसे जगह है, लोग जाकर शाम में जब आरती होती है तो लोग जाके आनंदित होना चाहते हैं, वो जगह घूमना चाहते हैं, 5 मिनट विश्राम करना चाहते हैं, और दूसरी ओर एनजीओ वाले की जो हाल है वो तो बैठना और अपना परिदृश्य को बढ़ाना है। वो तो माँ गंगा का मजाक कर रहे हैं। हाँ, वो एक तरह से मजाक किया, और माँ का आशीर्वाद दो दिन मिलेगा नहीं, कभी नहीं। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ माँ गंगा की रक्षा करें, यही हम दर्शकों से कहना चाहेंगे। अमृत न्यूज की ओर से हम वो काम नहीं करेंगे, भाषण नहीं करेंगे, वैसा बात नहीं बोलेंगे, चिकन चिकन बात बोल देना है, उड़ देना है, ये काम हमसे नहीं। और फोटो खिंचवा के अखबार में छाप देना नहीं आता है, लेकिन हम सभी लोगों से, दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, हमारे वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो चिकन चिकन बात मत बोले, कम से कम अगर हो सके तो एक चक्कर जाएं गंगा किनारे जाएं, कम से कम प्रणाम करें, एक आगो पत्ते कम से कम पॉकेटों में लेकर रख चल दीजिए कि हाँ भाई चलो हमने एक पत्ता जो है गंगा किनारे गया था उसी को आशीर्वाद मान के एक पत्ता ही अपने पॉकेट में रख लिया। इन्हीं शब्दों के साथ अमृत निधि न्यूज़ यूट्यूब की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महत्वपूर्ण समय दिया और माँ गंगा को बचाने के लिए जनता से अपील की, क्योंकि माँ गंगा बचेगी तभी हम लोग भी जिंदा रहेंगे ना। जी सर, गंगा माता सभी के, किसी एक हिंदू धर्म या केवल मुस्लिम, सभी धर्म, मानव जाति की माँ है, सभी की माँ है गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।